हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ जिया और आज हम करने वाले स्टोरी सेशन विद जिया और मैं जिया लखनपाल यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। सो आज स्टोरी सेशन होने वाला है और स्टोरी का नाम है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। सो दिस इज अ स्टोरी डैट इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। कैमल हैव हम्प्स, द कैमल गेट्स अ हम्प एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस। आर यू एक्साइटेड टू लिसन दिस इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरी? सो प्लीज गिव माई वीडियो अ थम्स अप एंड लिसन दिस टिल द एंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो ये स्टोरी लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है और हमें पता ही है कैमल के पास हम्प्स होती हैं, तो क्यों हम्प मिली उसको, एक स्टोरी है इसके पीछे। तो आप एक्साइटेड हो ना, ये इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई बट इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं थोड़ा बुक से पढ़ने जा रही हूँ। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." "Hump," said the camel. तो हमेशा जो camel है वो एक word, always he said a word that is hump. अब एक बार हुआ, also came and also a dog came and said, "Come and fetch and carry like the rest of us." "Hump," said the camel, and the dog went away and told the man. The man said that this animal can't work. You have to work for double time. This made the three of them very angry and they called the jinn. तो उन्होंने जिन को बुलाया। सो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट होगी। अब उन्होंने जिन को बुला लिया था एंड यहाँ पे जिन who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. So here we will So the jinn said, what does the camel do? He only says hump and he won't plug, said the ox. I will hump him if you will kindly wait a minute. The jinn sat down with his chin in his hand. The camel looked at his own reflection in the pool of water. तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इसमें एनिमल्स है और मैन जो डिस्कस कर रहे हैं और मैन कह रहे हैं कि आपको डबल टाइम के लिए वर्क करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारी वो वाली पिक्चर है जहाँ एनिमल्स और जिन डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे बोला जाए कि आप भी काम करना स्टार्ट कर दो। सो सब्सक्राइब माई चैनल और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। सो द कैमल अगेन सेड द वर्ड हम and suddenly his back puffing up into a great big hump. और अचानक से उसकी जो हम्प है पीछे वाली वो बहुत बड़ी होने लग गई। पहले उसकी हम्प ऐसे नहीं थी, अब होने लग गई है। सो जिन ने अब ये उसने किया ये काम, क्योंकि जिन तो ऐसे ही मतलब इच्छाएँ पूरी करते लोगों। सो नाउ यू कैन, जिन सेड, नाउ यू कैन वर्क ईजिली एंड विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यू कैन लिव ऑन योर हम्प, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड स्टार्ट वर्किंग। तो अब इसलिए कैमल को काम करना स्टार्ट कर दिया और हम्प में वो अपना फूड वाटर सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं। सो इन द लास्ट ही स्टार्टेड टू वर्क विद द थ्री, ही ऑल्सो हैव अ हम्प नाउ, उसकी हम्प हो गई एंड दिस पिक्चर यू कैन सी उसकी हम्प पफ हो रही है, ऊपर ऊपर जा रही है और वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था वैसे अंदर, और उसे अब रिफ्लेक्शन से पता लग गया कि कुछ हो गया है, मेरे हम्प निकल गई है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इतनी हमारी स्टोरी थी और लास्ट में क्या हुआ. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प. वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द थ्री डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ही हैज नेवर येट लर्न्ड हाउ टू बिहेव. सो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है स्टोरी. एंड लास्ट में अब जैसे आपको पता है कैमल की हम्प है, वो काम करते हैं बहुत और फूड वाटर स्टोर भी करते हैं. सो पिक्चर्स में इसमें काफ़ी सारी दिखाई हैं मैंने. सो ये हमारी पिक्चर्स एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको. ये एनिमल्स साथ में जो हैं और इसमें भी मैंने एक पिक्चर यहाँ से लगाई है, ये डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पर ये वाली भी बुक से है हमारी. सो ये सारी मेरी पिक्चर्स थी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब मेरे करते रहें जिन्होंने नहीं किया. थैंक यू एंड बाय बाय.